हेलो दोस्तों, आज हमारी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक चीज़ का जिक्र किया है, वो है मेडिटेशन। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मेडिटेशन ये होती क्या है और इसको कर सक कैसे सकते हैं। सबसे पहली चीज़ समझने वाली ये है कि मेडिटेशन वर्ड कहाँ से आया था। मेडिटेशन और मेडिसिन, इनका जो कोर है वो सिंपल, वो सेम है। मेडिसिन लफ्ज जो था वो बेसिकली मेडिटेशन से आया था। मेडिटेशन आपके अंदर की रूह की बीमारियों का जो इलाज वगैरह होता है ना, वो मेडिटेशन से होता है। और मेडिसिन से आपकी बाहर की जो जिस्मानी जितनी भी बीमारियां होती हैं उसका इलाज हो रहा था। तो अब मेडिटेशन हम कर किस तरह सकते हैं या ये एक्चुअली में होता क्या है। अब बहुत से लोगों के अंदर एक, मैंने जो बहुत से लोगों से सुनी हुई है बात, उनसे जब मेडिटेशन की बात करते हैं तो उनको भी इतना पता होता है, अच्छा अपनी सोचों को रोकना है। और ये बहुत कॉमन है, लोग ये कहते हैं कि अब ये कैसे हो सकता है कि हम अपनी सोचों से आज़ादी पा लें या ये इसको हम रोक दें। तो सबसे पहली चीज़ तो समझने वाली ये है कि आपने अपनी सोचों को मेडिटेशन में रोकना नहीं होता, आप रोक सकते ही नहीं हो। अपनी सोचों को रोकना तो ऐसे है जैसे वो डॉग अपनी दुम के पीछे नहीं पड़ा होता, वो कभी पकड़ी जा ही नहीं सकती, आप गोल गोल घूमते रहोगे बस, आप अपने आप के साथ फाइट नहीं कर सकते। तो करना क्या है, आपने उल्टा करना है। मेडिटेशन है इसका उल्ट ये कि उनको एक्सेप्ट करना है, उनसे जान छुड़ाने की कोशिश नहीं करनी। लाइक आप बैठे हो, आपको कोई सोच आ रही है, कुछ भी आ रहा है, आने दो, पर उसके साथ बहना नहीं है। आपको कोई पॉजिटिव सोच आ रही है, नेगेटिव सोच आ रही है, आप उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हो बहुत ज़्यादा। अब जाते जाते हो, आपने इन्वॉल्व नहीं होना, आपने सिर्फ देखना है एज अ थर्ड पर्सन। बिल्कुल उस टाइम जैसे आप किसी नदी के किनारे बैठे हो और सामने नदी बह रही है, आप बैठ के देख रहे हो। या मैं जैसे पहले एक दफ़ा एग्जाम्पल दी थी, अपने आप को एक दरख्त समझें और सोचों को ऐसे समझें जैसे ऊपर परिंदे आ रहे हैं, आप उनको देख रहे हो और वैसे आ रहे हैं और ऐसे उड़ के जा रहे हैं, बस साथ नहीं बस जाना, नदी के साथ नहीं बहना, बस देखो बैठ के। ये मेडिटेशन है। उसके जो स्टार्ट, जिसका पहला कदम है, वो मैं आपको आज शेयर करता हूँ, जो आप हर वक्त कर सकते हैं, आप हर वक्त मेडिटेट कर सकते हैं। मेडिटेशन के साथ ज़िंदगी गुजारना ये है कि आप हर वक्त फोकस के साथ कॉन्शियसली ज़िंदगी गुजारें, और उसकी टेक्निक्स हैं या प्रैक्टिसेस हैं। और सबसे जो आसान टेक्निक है या प्रैक्टिस है वो है कि आपको कहीं भी, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई वो प्रॉपर पैड लेके आएं और वहाँ पर पूरे स्ट्रक्चर बना के और तब आप वो इस तरह पोर्शन के साथ पूरा आप वो मेडिटेट करें। अगर हो सकता है वेल एंड गुड, नहीं हो सकता डजेंट मैटर। आप सफ़र में फिर रहे हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर आपके पास काम करने का कुछ नहीं है, बजाय इसके कि आप गेम्स खेल रहे हैं या गाने सुन रहे हैं, वो भी कर लें, पर 2 से 4 मिनट आप मेडिटेट करें कि आप जो सांस ले रहे हैं ना उस पर फोकस करना शुरू हो जाए। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। जिंदगी की और किसी चीज के बारे में नहीं आपने सोचना। इनफैक्ट राइट नाउ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सब कुछ भूल जाएं और सिर्फ 30 सेकेंड ही सांस लें। लोगों का पूरा फोकस आपकी सांस के ऊपर होगा, वो अंदर जा रही है और वो एक्सहेल हो रही है। को ऐसा ऐसा नोटिस होगा कि आपको और कोई चीज़ याद नहीं रही, और यही ज़िंदगी है। इस टाइम को जितना एक्सटेंड कर लें आप, सिर्फ सांस, और आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें कि इमेजिन करें कि ज़िंदगी की जितनी भी इर्द गिर्द की पॉजिटिविटी है, अच्छी वाइब्स हैं, वो आप इनहेल कर रहे हैं
और जितनी आपके अंदर डार्कनेस है और गम है, दुख है, वो सारे आप एक्सहेल कर रहे हैं। आज से हर रोज 1 मिनट कम से कम आप इस चीज़ को देना शुरू करें और आपको अपनी ज़िंदगी में उसी वक्त चेंज नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपको अपनी थॉट्स के ऊपर एक कमांड आना शुरू हो जाएगी और जितनी भी आपके अंदर जो एन्जाइटीज़, डिप्रेशन है, उसके अंदर भी आपका कमी फील होना शुरू हो जाएगी। खैर, इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगी और कोई क्वेश्चन हो या कोई भी चीज़ पूछनी हो आप नीचे कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। और मेरी बातें अच्छी लग रही हो तो डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक दिस वीडियो और नीचे घंटे का बटन है उसको दबा दें।